और गाइस आज जोली का ये वाला पप्पी चला जाएगा जो बिल्कुल सिम्बा के जैसा है। भाई अटैक तो नहीं कर लेगा? ओ भाई साहब, इतना खतरनाक पिटबुल तो मैंने काफी दिनों के बाद देखा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिक डॉग कैनल। और गाइस सुबह सुबह आ गया मेरा दोस्त ओवा। सुबह सुबह आके सारे डॉग्स को मेरे साथ खाना खिलवा हुआ है। और गाइस आज देसी गैंग को कर दिया कैनल के अंदर बंद। आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सिम्बा तू कहाँ चल दिया? सिम्बा अंदर भाग गया। गया देसी गैंग बाहर गई, विदेशी गैंग अंदर आ गई। और गाइस छा देखो कितनी टॉप आ रही है यहाँ पे। बस और थोड़े दिन की बात हो रहा है, एक बार नीम के पेड़ पर अच्छे से पत्ते आ जा, फिर देखना कितनी बढ़िया छा होगी यहाँ। सारे डॉग्स का गर्मियों में यहीं पे जी लगेगा। और गाइस आज यहाँ के नाम के पंखे लेकर आऊंगा। रूम में एक भी पंखा नहीं है, एक यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा। और सोच रहा इस वाले कमरे को साफ करके एक पंखा लगाता हूँ यहाँ पे। और गाइस आज पोवे गैंग के साथ मिलकर यहाँ की साफ सफाई करनी। पोवे करवा तो देगा साफ सफाई, बुरे को लेकर आऊंगा। और बाकी सारे डॉग्स बाहर हुई जाओगे। भगत जी आजा काम करवाइये, काम करवाइये, आजा खड़ा हो, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ले जा ले जा ले जा। और गाइस ये देखो कितना बढ़िया लट पाया, डॉग्स को घुमाने के काम आऊंगा। इशारा कर दिया साइड में, देख कर आराम आराम कटाओ। चलो चलो पोवे, ज्यादा वजन न ठाइए, हल्की हल्की लकड़ी ले जा और मैं भगत ठा लेंगे। सभी हम ये कह रहे किस कमरे के अंदर बुरा होगा, भाग भाग कर लकड़ी उठा रही, सभी के अंदर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है। फिर मैं भी आ रहा है, ये तो बिना बात में लग गया। फाइनली हाथ भी सफाई तो होगी। और कहीं से देखो पुराने जमाने का हल, ओवे कभी हल चलाता हुआ लेकर जा ऊपर डालिए। सिम्बा तेरे सिर पे भी धरू एक आधा नहीं तो गाइस अभी फाइनली सारी लकड़ी साफ होगी, बस ये थोड़ा बहुत सामान और रह गया, इसे बाद में हटा देंगे। अब एक बार लेकर चलता हूँ पोवे गैंग को, कहाँ जा रहा है? ओहो स्विमिंग पूल में। एहे। तो गाइस आ गए फाइनली स्विमिंग पूल में पौवे को लेकर। चल पौवे चल, अब बेटे चल भाई तू भी। अरे वाह। तो गाइस आ गए फाइनली घर पे, अब एक बार सिम्बा का दवाई लगाता हूँ। और गाइस आज जोली का ये वाला पप्पी चला जाएगा जो बिल्कुल सिम्बा के जैसा है। वैसा भाई ज्यादा दूर नहीं जा रहा, अपने गांव में ही जा रहा, पड़ोस में ही जा रहा, बीच बीच में देखते रहेंगे से कैसा बनागा। और गाइस पहले इसके घर वालों से बात कर ली थी, उसके बाद दे रहा पिल्ले को, ध्यान तो रखा गा इसका ठीक है, बीच बीच में दिखाता रहिए कैसा हुआ ठीक है। ले जा घुमा, हाँ ये भी तो घुमाइए ना जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ठीक है। ले जा बाय बाय। ये दोनों के दोनों रह गए अब रेड वाले, अगर ये भी किसी को लेने हो ले सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना मेरे पास ही पल जाएंगे। तो गाइस अभी ना दो कॉल सेट, और गाइस अब एक दोस्त के पास चलता हूँ, वो अपना कैनल बना लग रहा, उसके कैनल में घुमकाऊंगे, चल कर उसके डॉग्स भी देखेंगे। और कुछ मुझे अपने कैनल के नाम के सामान लेकर आने थे, पंखे वगैरह, आज इसमें पंखे वगैरह लगवा दूंगा तीनों रूम में, इस वाले में भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अच्छा तो गाइस अभी रास्ते में पहलवान के पास आ गए, साथ में पहलवान को भी लेकर चलेंगे। अरे पहलवान इतनी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तू, पर ये तो खाली है। अरे पहलवान पढ़ाई लिखाई भी कर ले तू, ये बस मुक्के मुक्के बजावे। लो भाई मुक्के बजाने का भी सिस्टम है, ये रहा एक साइड पौवा लग गया, एक साइड वो लग गया छोटे पैकेट का ओनर। पौवे चोट लग जाएगी, पौवे तो मार गुट, पौवे मार गुट, अरे मार तो मारिए, अरे कर तो कोशिश है चोट ना लगने की कर। अरे मेरे पास ले ली इसने गाड़ी, अरे पहली फिर दूसरी बड़ी चला रहा। क्या बोला तूने? अरे वाह गिरा तेरे पास तो बेटे, अरे वाह, अरे वाह चलानी आ गई ओ बेटे। भाई इतने बेफिक्र होगा बिना सो, कभी पता चले सोते ही रह गए। भाई कुछ गलती तो नहीं हो रही? गलती गलती कुछ नहीं हो रही, बस जिप ठुक जाएगी जिप होगी गलती, ठोकी है ना तू। तेज तो नहीं चलाने के? हाँ मंदी चले मंदी। बीच वाला ब्रेक हुआ है ना रे? भगत जी मिल गया, वो जान लग रहा ड्राइवर बन गया मेरा, बस बॉडी बॉडी दिखावे तो गाइस अभी ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया, पहलवान ने बहुत गाड़ी चला ली और चलाऊंगा, पहलवान बस यहाँ बैठ कर गाने बजाऊंगा। कौन भी दिखा दा जा, ये टूट रहे कौन, दूसरा भी दिखा दा। तो गाइस अभी पंखे लेने तो आगे देख रहे कौन से कलर का लेवे। तो गाइस अभी पंखे तो ले लिए, अब एक बार जूस पीते हैं फिर चलेंगे सीधा कैनल पे। मौसमी का क्यों लेवे? और गाइस गर्मी इतनी हो रही बहुत ज्यादा, सामने ट्रैफिक भी देखो भाई कितना लग रहा। तो गाइस अभी रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसकी बुलेट में अलॉय वगैरह डलवाए, इसलिए भाई ज्यादा लेट हो गए, थोड़ी बहुत देर में देर ही हो जाएगा। अब भाई जल्दी जल्दी चलता हूँ कैनल पे, कुछ भाई सामने ट्रैफिक इतना लग रहा बहुत ज्यादा। तो गाइस अभी फाइनली जाम में से निकल तो गए, और गाइस पूरे आधे घंटे के बाद जाम में से निकले,
इतना कैडा जाम लग रहा था। आज तो भाई लेट पे लेट हो गए और कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, घर तक तो बिल्कुल ही अंधेरे में जाया जाएगा। आज सुनने पटाके तेरे शहर विच नहीं। तो गाइस अभी फिर से जाम लग गया, ये देखना भाई कितना कैडा जाम लग गया, दिमाग खराब हो गया आज तो। ऐसा मन कर रहा गाड़ी में उड़ने वाला बटन लगवा के और उड़ जाऊं से लेके, एक हेलीकॉप्टर बुक कर दे, हेलीकॉप्टर लाना पड़ेगा। न्यू एको ना बाजते पटाके डार्लिंग, गिरवाना पड़ा 150 का तेल डार्लिंग के नहीं चालू कर खाने अपना भी पटाके मारा थी। तो मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ, रस्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसके लिए हमने बुलेट चिंटू पहलवान का लगा मजा पटाके फोड़ने, और इतने पटाके फोड़ दिए और बीच हाईवे पे भाई यहाँ को देख ले, यहाँ को देख ले। पहले प्लीज बोल, देखो प्लीज तेल डलवा दो को तो चल, फिर और पटाके मार लिए यार, तो मिलेगा ना खंचू। ले जा ले जा ले जा ले जा, कितने करड़े लगे थे, नहीं पटाके बढ़िया लगे। लो भाई अब फिर बजेंगे पटाके, देखना भाई कैसा बैठा। देख भाई पटाके मार रहे हैं, बुलेट के मजे लेते हुए। अब भाई चलते हैं सीधे कैनल पे। तो गाइस आ गया फाइनली, और गाइस ये देखो कितने तकड़े तकड़े अमेरिकन बुल्ली, ये देखना भाई बिल्कुल बालू बालू से है, ये वाली फीमेल है और ये वाला मेल है। भाई अटैक तो नहीं कर लेगा ओ भाई साहब, और वैसे भाई मुझे लगता नहीं अटैक करेंगे, दोनों की पूंछ हिल रही। और गाइस ये देखो कितने ज्यादा हैवी है, बिल्कुल ही बालू बालू से है। अरे वाह, और गाइस फीमेल को देखो पहलवान के बिल्कुल गोद में जाकर बैठ गई। आजा भाई आजा, तू भी आजा, दूसरे पहलवान आजा, मोटू पहलवान आजा ऊपर आजा, ले आजा बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ, दोनों के दोनों पहलवान की बैंड बजा दो, कहाँ जा कुछ ना कहने के, अरे फ्रेंडली है बहुत, देखना भाई कैसे है डमरू डमरू से। और गाइस कैनल पर जाने का टाइम नहीं रहा, किसी दिन को दिन में आऊंगे तब चलेंगे कैनल पे। अब भाई ये खतरनाक चीज दिखाता हूँ, यहीं पे एक पिटबुल का डॉग है बहुत खतरनाक, ये दोनों तो मासूम से है बट भाई वो तो बिल्कुल अपोजिट है, एकदम पाड़ने को आवे। और गाइस वो डॉग बैठा इसके पीछे, हो भाई ये तो पहले गुरल लगा, भाई टूटा तो नहीं, बताता टूटा तो नहीं, अगर भाई टूट गया जान से ही मार देगा खत्म। ओ भाई ये तो भाई बुग्गी का टायर ही फाड़ रहा, और पतली सी रस्सी में वैसे है, अगर टूट गया भाई जान से ही मार देगा। इतना खतरनाक पिटबुल तो मैंने काफी दिनों के बाद देखा, ये देखो भाई कैसे गुगू कर रहा, ध्यान से इसकी गुड़की सुनो, ये देखो भाई। और गाइस डॉग 2 साल से एक जगह पे बंद रहा, इसीलिए इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा। क्या जी, अच्छा फाइटिंग भी करा गए हो, नू कह रहे फाइटिंग पूरी करे, वैसा भाई से देख कर लग भी रहा फाइटिंग पूरी तकड़ी करता होगा, फाइटिंग भी और गार्डिंग भी। ला चल भाई ठीक है, जा रहे इसकी ज्यादा वीडियो नहीं बनाता, क्या पता वीडियो बनानी भारी पड़ जा, चल ठीक है बाय बाय। राजा पहलवान दिखा करना मैं, राजा कुछ नहीं कहने का, तो नहीं कहने का कुछ भी, हाँ कुश्ती तो करेगा तेरी, कह लो आ जा पहलवान से आगे, वो कुत्ता बता दिए फ्री है खतरनाक रूप में देखते होंगे। तो गाइस अभी पहलवान को भी छोड़ दिया, ठीक है ओके ब्रो, अब भाई मैं भी चलता हूँ सीधा घर पे, पंजे मार दिए, बस 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 बस। तो गाइस घर पाते मेरी ऐसी बैंड बजाई ना बहुत ही बुरी तरह से, जूली भाई ऊपर से कूद दी कैनल की दीवार पर से नीचे कूद गई, पता नहीं दिखी होगी या फिर नहीं, ऊपर से जंप लगाया इसने, जूली कैसे कैसे स्टंट लगा रही तू रात को। और गाइस ये रही अपनी कोको रानी, हाँ कोको भी पूछ रही कहाँ जा लिया था। और गाइस आज के ब्लॉग के एंडिंग यहीं पे करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे, और गाइस स्लॉट में सब्सक्राइब और कर दे।